समाजवादियों की ताकत, जब भी जब समाजवादी पार्टी खड़े हो जाते थे अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी, कहते थे भाई समाजवादियों से मत भरना, अगर समाजवादियों से भर गए तो इस उत्तर प्रदेश की जेलें भर जाएंगी, जेलें भर देते थे। और उन बेईमान सरकारों को भी हमने देखा है किस तरीके से हम लोगों ने बदला है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं नौजवानों को, नारे भी हमारे साथी देते थे सड़कों पर जब निकलते थे, नारे भी देते थे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, उन बेईमानों का राज बदल दो। तो बताइए अब इसलिए बदलना पड़ेगा। बताइए सब भारतीय जनता पार्टी से अभी तक की सबसे बेईमान सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है? यही भारतीय जनता पार्टी। तो इसको बदलना पड़ेगा। अब समाजवादियों को बैठना नहीं है, समाजवादियों से ज्यादा, जब जब समाजवादी सरकार रही, जब जब अखिलेश यादव की सरकार रही, बताइए 75 से 75 जिलों में काम हुआ है, सड़कों से लेकर पुलों से लेकर के कितना काम हुआ है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं इन 7 साल में बताओ उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विकास का काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, यहां तक कि सड़कों के तो गड्ढे भी नहीं भर पाए। और हर बस नारा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के समय में कि 3 महीने में गड्ढे भर जाएंगे, लेकिन गड्ढे भरते भरते इनको 7 साल होने जा रहे हैं और 7 साल में भी गड्ढे अभी तक भर नहीं पाए। हम पूछना चाहते हैं कितने पुल बनाए? बताइए यहां नदियों पर कितने पुल बनाए? और समाजवादी पार्टी में कितने पुल बने थे बताओ? कोई नदी यहां बची थी जिस पर बड़े से बड़े पुल न बन गए? सड़कों पर काम न हुआ, हर स्तर पर काम हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने नारे तो बहुत कुछ दे दिए हैं, यहां तक नारा दे दिया है कि 9 साल बेमिसाल। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के 9 साल में इनका एक भी किसान काम इन किसान गरीबों नौजवानों के लिए बताइए, एक भी काम ऐसा बेईमान सरकार ने नहीं किया है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 2024 की सरकार को बदलना है और इस भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश से सभी सीटों पर हराना है, सभी से सीटों पर हराना है। अगर आप सब लोग एक हो गए, हम तो कहेंगे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो हटा दो, ये भारतीय जनता पार्टी के बहादुर नहीं है, बहुत डरपोक भी है, हम जानते हैं ये बहुत डरपोक भी है। एक बार सरकार तो बना लो, अगर एक बार सरकार बना ली तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने अभी कितने मुकदमे, कितने झूठे लोगों को जेल भेजने का काम किया है, ये फिर आपको दिखाई नहीं देंगे।